दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई आईडी बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं, हालांकि वो जानते तो हैं कि इसका मतलब किसी पेमेंट रिलेटेड चीजों से है, जैसे कि हम किसी को पैसे भेजते हैं तो यूपीआई का इस्तेमाल होता है। काफी सारे लोग तो जो क्यूआर कोड है उसी को यूपीआई समझ लेते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग गूगल पे को यूपीआई मानते हैं, कई सारे लोग फोन पे को यूपीआई मानते हैं, या फिर ये जिस तरीके के ये पेमेंट गेटवे हैं उनको ही यूपीआई आईडी मान लेते हैं या फिर यूपीआई कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, गूगल पे यूपीआई का एक अलग जो है गेटवे है, मतलब एक पॉपुलर माध्यम है यूपीआई का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गूगल पे ही यूपीआई है, फोन पे ही यूपीआई है, अमेजोन पे ही यूपीआई है, पेटीएम पे ही यूपीआई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर अपने पेमेंट सिस्टम का एक यूपीआई है, ठीक है, और उसे बोलते हैं यूपीआई गेटवे। हालांकि यूपीआई हर एक इंसान का है आज के समय में जो पेमेंट कर रहा है, और इसने काफी ज्यादा का बहुत, मतलब कहिए ना कि बहुत ज्यादा ही पेमेंट को, पैसे भेजने की जो गतिविधि है उसको बहुत ज्यादा सरल आसान बना दिया है, और वो इसलिए हुआ है यूपीआई की वजह से। पहले जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि अगर वेबसाइट पर अगर कुछ पेमेंट करना हो कहीं पर, मान लीजिए होस्टिंग के लिए या फिर कोई सामान मंगाना हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो है पेमेंट का सिस्टम लगाना पड़ता था। अपना जो है खाता नंबर डालो, अपना नाम डालो, बैंक का आईएफएससी कोड डालो, ये डालो वो डालो, बहुत ज्यादा तामझाम होता था। लेकिन जब से भारत सरकार ने यूपीआई इंडिया में लॉन्च किया है उसके बाद से बस कहीं कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बस अपना सिर्फ एक यूपीआई एड्रेस, यूपीआई आईडी डालिए और पेमेंट आपका तुरंत हो जाएगा, सेकंडों में हो जाएगा। आखिर तो ये क्या है यूपीआई? सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसे भारत सरकार के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, यानी और इसे लॉन्च करने के बाद, इसकी अपार सफलता के बाद इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपने मित्र से, अपने दोस्तों से या फिर किसी भी जगह से पैसे मंगवाने हैं तो बस सेकंड लगते हैं, आपको सिर्फ यूपीआई आईडी डालना होता है। तो यूपीआई आईडी का मतलब क्या होता है, मतलब मैं थोड़ा सा बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कई सारे लोगों को पता नहीं है कि उनका खुद का यूपीआई आईडी क्या है और वो कैसे पता करें। मैं बताऊंगा आज के वीडियो में बहुत ही आसान और सरल तरीके से कैसे आप लोग अपने यूपीआई आईडी का पता लगा सकते हैं बहुत ही आसान से। लेकिन उससे पहले उसकी पहचान करना जरूरी है कि आखिर ये यूपीआई दिखता कैसा है, यूपीआई आईडी होता कैसा है। सो दोस्तों देखिए, नॉर्मली जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग गूगल पर अपना जो है ईमेल आईडी, जीमेल आईडी वगैरह कुछ यूजर नेम टाइप का शब्द अगर सुने होंगे, सो ऐसा ही शब्द जो है आप समझ लीजिए कि वो एक यूपीआई आईडी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई ईमेल है तो ईमेल में क्या होता है कि ईमेल आईडी में आप पहले जो यूजर नेम है, जैसे मान लीजिए कि @gmail.com होता है, तो @gmail.com जो पीछे वाला है उसको छोड़ दीजिए और जो आगे वाला है उसमें आप कुछ भी अपना तरह से जोड़कर आप ईमेल आईडी का जो यूजर नेम है वो बना सकते हैं। उसी तरीके का कुछ जो है यहां पर यूपीआई के साथ होता है। यूपीआई में आप कुछ भी, आप जो है अपने नाम का अक्षर ले सकते हैं, अल्फाबेट ले सकते हैं, आप उसमें नंबर्स ले सकते हैं, आप अपने मोबाइल नंबर को ही यूपीआई आईडी में बना सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आप अपना यूपीआई आईडी नहीं बनाते हैं तो जो पेमेंट ऐप होते हैं, जैसे मान लीजिए कि योनो एसबीआई का ऐप हो गया, एचडीएफसी का है, आई मोबाइल आईसीआईसी बैंक का है, फोन पे है, पेटीएम है, ये जियो पे है, अमेजोन पे है, इन लोगों ने यूजर्स के जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को ही, चाहे वो किसी भी मतलब टेलीकॉम का हो, बीएसएनएल का हो, जियो का, एयरटेल का, वीआई, उससे कोई लेना देना नहीं है, मोबाइल नंबर को ही इन लोगों ने यूपीआई बना दिया है। यानी कि मोबाइल नंबर होगा और उसके बाद @, और उसके बाद जिस भी बैंक का होगा, जो भी बैंकिंग सिस्टम होगी उसका कुछ वहां पर शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आईसीआईसी बैंकिंग, कोई किसी का खाता है आईसीआई बैंक में, सो उसका यूपीआई आईडी कैसे होगा, मान लीजिए उसका फोन नंबर हो जाएगा @ और आईसीआईसीआई, क्लियर, ये इतना उसका यूपीआई एड्रेस हो गया। अब इस चीज को वो कहीं पर भी देकर पेमेंट मंगा सकता है, या फिर उसी चीज को कहीं उसको पेमेंट करना है तो उसी चीज को लगा देगा तो उसका पेमेंट हो जाएगा। यूपीआई आईडी क्रिएट करना बहुत ही सरल है और बहुत सारे लोगों के फोन में है, तो वो मैं आज नहीं बताऊंगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है जहां पर आप देख कर सीख सकते हैं कि अपने लिए यूपीआई आईडी कैसे बनाए, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ जो है
वेरिफिकेशन करना है, 2 मिनट के अंदर ही आपका यूपीआई आईडी बन जाता है। सो यूपीआई का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर यूपीआई जो है एक तरह का पेमेंट सिस्टम है जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से काम करता है, और इसके लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका यूपीआई है तो आप वो जो डब्बा वाला फोन होता है ना, डब्बा वाला फोन, ठीक है, जो हम लोग पहले यूज इस्तेमाल करते थे, अभी हमारे जो है बहुत मतलब गांव में इस्तेमाल होता है, अब मेरे पास तो है पर मैं इस्तेमाल नहीं करता, कीपैड वाला जो फोन होता है, उस कीपैड वाले फोन से भी आप लोग यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ये है उसकी ताकत, समझिए। सो गूगल पे जिन लोग जो है यूपीआई समझते हैं वो गलत है। गूगल पे एक पॉपुलर ऐप है जो कि यूपीआई से पेमेंट दे सकता है और ले सकता है, और जैसे मैंने बताया कि मोबाइल नंबर @ और बैंकिंग का जो पीछे लोगो आता है उसी तरीके से गूगल पे में भी सेम वही सिस्टम है, जो लास्ट वाला सिस्टम है @ के बाद में। वो कई सारी कंपनियां जो है अपना अलग ही बनाते हैं, जैसे कि YBL होगी, आपने देखते होंगे, कई जो बैंकिंग पढ़ाली है, जैसे मान लीजिए HDFC बैंक है तो HDFC लगा सकते हैं, ICICI बैंक है तो ICICI लगा सकते हैं, SBI है तो SBI लगा सकते हैं पीछे लास्ट में। अगर मेरा पूछिए तो मेरा जो बैंक का ICICI बैंक है @ICICI लगा हुआ है मेरे UPI ID में। आगे का आप कुछ भी कर दो, मोबाइल नंबर डालो, आप जो है अपना नाम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है UPI ID। कैसे पता कर सकते हैं UPI ID? अगर मेरा UPI ID है तो मैं कैसे पता करूं मेरे फोन में, मेरा पेमेंट गेटवे में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों देखिए, ये जो है पेटीएम का UPI है, देखिए यहां पर कुछ नंबर होता है या फिर नाम हो सकता है या फिर कोई कोड हो सकता है XYZ और @paytm, ये कुछ इस तरीके का UPI होता है। आप लोग पेटीएम ऐप में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अदर से भी और भी जगह दिखाऊंगा, जैसे देखिए ये, देखिए ये SBI का UPI ID है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए रियल UPI ID @OKSBI। ऐसा नहीं है ये मैं दिखाऊंगा तो कोई यहाँ से फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड व्रॉड वाली चीजें नहीं हो सकती यहाँ से। ये देखिए Amazon पेमेंट लिमिटेड के नाम से है APL, ठीक है, और यहाँ पर आगे मोबाइल नंबर है, Amazon पे UPI ID आप लोग पता कर सकते हैं। जहां पर ये देखेंगे ये समझ लीजिएगा ये आपका UPI ID है। आप चाहो तो इसको क्रिएट न्यू UPI ID पे क्लिक करके आप अलग से भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए Amazon पे UPI का, यहाँ पर मोबाइल नंबर है @APL, ठीक है, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है आपको। ये देखिए ICICI बैंक का, ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ नंबर्स है, कुछ यहाँ पर अलग से अल्फाबेट है, और यहाँ पर ICICI है, ठीक है, ये ICICI बैंक का UPI ID। मतलब ये जो UPI ID है इसका मतलब ये है कि ये जो जिसका भी है उसका जो बैंक है, जिस बैंक से उसने UPI ID बनाया है वो ICICI बैंक का है। इसके अलावा यहाँ देख लिए, ये भी एक Amazon का है APL, ठीक है, गूगल पे का होगा तो GPL होगा, ठीक है, GPL वगैरह हो सकता है लास्ट में। तो यहाँ पर जो है आगे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं @, और वहां पर ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो आप उस जो जिस भी बैंक में आपका जो है खाता है उसका यहाँ पर लगा सकते हो, नीचे सजेशन में आ जाता है जब आप बनाते हैं तो, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग भी अपने UPI ID का पता लगा सकते हैं और किसी से पेमेंट करवा सकते हैं या फिर किसी को पेमेंट भेज सकते हैं। यानी कि अगर आपको पेमेंट भेजना हो तो भी इसकी जरूरत पड़ती है, और अगर आपको पेमेंट रिसीव करना हो तो भी इसकी जरूरत पड़ती है। और ये जो है सबके लिए यूनिक होता है, ठीक है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये आपका है तो कोई ले लेगा, फ्रॉड कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यूनिक होता है दोस्तों, क्योंकि ये अब मोबाइल नंबर यूनिक है, ठीक है, तो ये भी यूनिक होता है। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, ये मान लीजिए आपका नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उदाहरण दे रहा हूँ, अब यहाँ पर @ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर पीछे जो है आप मान लीजिए अगर जो है यहाँ पर YBL, अगर योनो का अगर SBI का खाता है तो YBL लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर जो है ICICI बैंक का खाता है तो आप यहाँ पर ICICI लगा सकते हैं, अगर Amazon का UPI बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर APL लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जो भी मतलब जिस भी मतलब ऐप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अलग से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आगे की जो मैंने बताया, यहाँ पर आप जो है मोबाइल नंबर लगा सकते हैं या फिर आप अपने कुछ भी कोड लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया, यहाँ पर मान लीजिए मेरा नाम है राम के प्रजापति, तो मैं यहाँ पर ऐसे लगा सकता हूँ राम के प्रजापति, ठीक है, ऐसे मैं लगा सकता हूँ @ और जो है पीछे जो है मेरा जो बैंक का है जो भी बैंक है लगा सकता हूँ, या फिर Amazon के लिए APL लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा UPI ID बन जाएगा। अब आप लोग के पास जो भी ऐप है
फोन पे है, गूगल पे है, जो भी ऐप है, ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा जो भी है वो लगा दीजिएगा। सो दोस्तों ये था यूपीआई के बारे में जानकारी। अगर आपके घर में, रिश्तेदारों में, दूसरे लोगों को पता नहीं है, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस तरह वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।